कान उठा के नहीं देखेगा, कोई किसी गरीब के बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, इस बात की गारंटी चंद्रशेखर आजाद आपको देता है। बस आप भी मुझे दोनों हाथ जाके बता दो कि अपने जीवन को गरीबी बेबसी के बदलना चाहते हो, नहीं बदलना चाहते हो, ये गुलामी की बेड़ियां काटना चाहते हो, नहीं काटना चाहते हो। तो एक ही तरीका है, कोई और रास्ता नहीं है। क्या करना है आपको पता है ना? क्या करना है जोर से बताओ, क्या करना है? हमारे यहां बड़ा सख्त पैरा था जब हम लड़ रहे थे, तो हम नारा दिए थे कि चुपचाप केतली छा। तो एक नारा हम दिए थे कि चुपचाप केतली छाप, और एक नारा हमारे यहां बहुत चला था कि सारी पार्टी देख ली और अब की बात। मुझे विश्वास दिला के बताओ दोनों हाथ खड़े करके कि मदद करोगे नहीं करोगे? चुप तो नहीं जाओगे? ऐसा तो नहीं कि फिर परेशान हो कहो कि कोई सुनता नहीं है? बताओ ताकत बना लोगे नहीं बना लोगे? बताओ हाथ मजबूत कर दोगे नहीं कर दोगे? बताओ इन अमीरों को ऐलान करके चैलेंज कर दोगे नहीं कर दोगे? अब अमीर नहीं गरीब भी राज करें, कर दोगे नहीं कर दोगे? ये लोकतंत्र अमीरों के लिए नहीं था। अमीर तो राजतंत्र में राज करते थे, लोकतंत्र इसलिए आया था कि गरीब का बेटा भी आगे बढ़ के आएगा, काम करने वाले को भी मौका मिलेगा। इन पैसे वाले दलों ने ये चुनाव इतने महंगे कर दिए कि कोई गरीब का बेटा आगे नहीं बढ़ सकता। मैं तो धन्यवाद देता हूँ भाई मुमताज का, धन्यवाद देता हूँ रामकुमार रवि का, धन्यवाद देता हूँ चंद्रमणि का, धन्यवाद देता हूँ और साथियों का, अपने जिले के अध्यक्ष जी का, सुनील जी का, अजीत सिंह शेरवा जी का, और यहाँ इस मंच पर उपस्थित सुहेल भाई का, गुलखान जी का, और खड़ो इनके साथ साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सुनो, जितना प्यार मैं आप लोगों से करता हूँ उससे कई गुना ज्यादा प्यार मैं इन लोगों से करता हूँ। मैं आपको ये भरोसा दिला सकता हूँ, पार्लियामेंट में कोई भी मामला आपका आएगा तो दहाड़ के आपकी आवाज को उठाने का काम करूंगा, इस बात का आपको विश्वास दिलाऊंगा। और असेंबली में मेरी गैर मौजूदगी में भाई मुमताज इस कमी को पूरा करेंगे। जब जब असेंबली चला करेगी, पूरे झारखंड के गरीबों की आवाज बनने का काम मेरा भाई मुमताज क्या करेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 13 तारीख में पड़ेंगे ना वोट, 13 नवंबर में वोट पड़ेंगे, बुधवार को 13 को संभाल लोगे नहीं संभाल लोगे? ऐसे नहीं मानता, दोनों हाथ ऐसे खड़े करो दोनों हाथ, बताओ 13 को संभाल लोगे नहीं संभाल लोगे? बताओ ताकत बना लोगे नहीं बना लोगे? बताओ कर दोगे नहीं कर दोगे मदद? चलो बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। 13 तारीख तक चैन से मत बैठना मेरे साथियों, ये करम औरों की लड़ाई है, ये आपके बच्चों के अधिकारों की लड़ाई है, लड़ाई को कामयाब करना। और मैं इन नौजवानों से कहना चाहता हूँ, देखो सुनो, तुम भी सुनो, तुम्हें काम देता हूँ, छोड़ दो, चारों भी 400 प्रत्याशी सभा लगा ले, ये मुमताज को प्रेम करने वाले लोग हैं, ये कहीं जाने वाले नहीं। मैं ये कह रहा हूं भाई नौजवान लोगों, मैं हर बार आता हूं यहां आपके प्रेम में, बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? तो याद रखना, हमारा वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए, कोई आदमी ऐसा ना बचे जिसका वोट ना डले। पहले वोट डालना है, उसके बाद नाश्ते के बारे में सोचना है, क्योंकि नाश्ता तो हम रोज करते हैं, सुनो नाश्ता तो हम रोज करते हैं, लेकिन हमारे भविष्य को बदलने वाला काम 13 तारीख को होगा। इसलिए नाश्ते के बारे में बाद में सोचना है और वोट के बारे में पहले सोचना है। और सुनो, ये बड़े नालायक लोग झगड़ा करवा देंगे,
ये कोई इस तरह की साजिश कर देंगे तो अपने भाईचारे को टूटने मत देना मेरे भाइयों, एकजुट होके एक दूसरे की ताकत बन के आगे बढ़ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान, जय मंडल, जय जवान, जय जवान, जय किसान। एक बहन मेरी आई है, मैं उससे माफी चाहता हूँ। मैं राजनीति करता हूं लेकिन लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए। मैंने चार चार गोली खाई मगर मैं राजनीतिक यूज किसी का नहीं करता। एक परिवार मेरा आया, आप जानते हो, एक छोटी बच्ची का जो 10 साल की थी, 10 साल की थी, डाल्टनगंज की, जिसका रेप करके उसको मार दिया था। कोई ये मुझसे कहना चाहते हैं कि वो परिवार आया हुआ है, कुछ लोग इच्छा थी कि उसको स्टेज पे बुला जाए। मैं ऐसी घटिया राजनीति नहीं करता यार, मुझसे नहीं होती। मैं देखो, मेरा जमीर मेरे साथ साथ और ये बिकाऊ नहीं है, मेरी बात को आप याद रखना। अगर किसी भी महिला पे अन्याय होगा तो भीम आर्मी लड़ेगी, लड़ेगी, लड़ेगी। और ये कोई हम वोट के लिए नहीं करते, ये हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों और भारतीय संविधान ने हमें सिखाया है कि बहन बेटियों की रक्षा होनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। मेरा देखो भाई, हर आदमी अपने किरदार से जाना जाता है। चंद्रशेखर आजाद आज अगर है तो अपने किरदार से है या भीम आर्मी के साथियों की मेहनत से है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने हजरत उमर को भी पढ़ा, शायद आपने ना पढ़ा, मैंने हजरत अली को भी पढ़ा और मैं जानता हूं दुनिया में आदमी का किरदार याद रखा जाता और कुछ नहीं याद रखा जाता। ये सब चीजें बहुत छोटी होती हैं। जिस दिन ये गरीब और ताकत से मेरे साथ खड़े हो जाएंगे, किसी और की ताकत की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात को आप याद रखना। बताओ, लाज रख लो।